ने ये सुना होगा कि यार निहत्तों को नहीं पेलना चाहिए, निहत्तों को जाने दो, बकवास है सब कुछ, बकवास है। मैं समझ जाता हूँ, बोटों पे अत्याचार मत करो, बोटों को जाने दो। तो हेलो, कैसे हो? वेलकम दी बैक, बैक द वेलकम, और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू गलत टीम से भरे पड़े में। और इस मैच में यार मैं पेटी बनने के मुंह से बच के बाहर आता हूँ। मतलब एक टाइम के लिए यार मैंने छोड़ दिया था कि मैं बचपन गया से उम्मीद छोड़ दी थी। हाँ, जुगाड़ भिड़ा लेते हैं। खैर, जो भी सीन होंगे थोड़ा आगे जाके होंगे, फिलहाल यहाँ दो आए हैं और आगे बढ़ते हैं। और मेरे को एक भी गन ऐसी नहीं मिली जो दबा दब चले, बिल्कुल एक ही बार दबाने पे, इसमें बार बार दबाना पड़ता है। खैर, जो भी हो, इससे पेटी तो बनानी पड़ेगी, नहीं तो क्या ही किया जा सकता है। तो आगे बढ़ता हूँ मैं यही लेके। अब यहाँ पे मैं खुलता हूँ सकारिल, और सकारिल पे छेद लगा पड़ा है, वो भी पूरे जिम में। यार पता नहीं क्यों, लेकिन जमीन में गोलियां जा रही थी। खैर, जो भी हो, मेरा टीममेट नॉक पड़ा है, अब संभालना पड़ेगा सीन, नहीं तो उसके साथ साथ मेरी भी बेटी बन सकती है। नंगे बंदे की छलांगे देख के यार मैं हैरान हो गया। मेरे को लगा ठीक है यार, ऊपर है, ऊपर से चलेगा भाई, कूदते हुए बिल्कुल हवा से फायरिंग देते हैं। खैर, मैं नीचे ही था तो पकड़ता हूँ, पेटी बन जाती है इसकी, और एक बच चुका है। हाँ, वही नंगा वाला बंदा बचा है, तो उसे पकड़ने के लिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। और हमारे ये नंगे वाले भाई रिवाइव होके दोबारा से मेरे टीबिट को भेज देते हैं। सही है यार, कम से कम मैं तो जीता हूँ, और इस बार बड़े ही काम है। मतलब यार एक बार रिवाइव हो गया, बहुत ही बढ़िया, बार बार थोड़ी यार हलवा थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। तो उसकी पेटी बनाई, अब बस एक आखिरी बंदा बाकी है, और ऐसा नहीं कि वो भागने जाएगा, बिल्कुल नहीं, वो भाई अपने पूरे जोश में। और आजकल हर एक बंदा ये पावर रेंजर बना फिर रहा है, जिसे देखो नीले काले लाल पता नहीं कैसे कैसे कपड़े पहन के खेलते हैं। सही यार, मतलब आरपी का पूरा भरपूर फायदा उठाया जा रहा है। खैर, जो भी हो, ये सारे पावर रेंजर यहीं पे ठिल जाते हैं, पेटी बन जाती है। अब ये लोग पबजी बन करके सही में पावर रेंजर देख सकेंगे। और इसके बाद यार वो खाली टैब हो जाता है, गिने चुने चार बंदे। बुरा हाल है यार, बहुत बुरा हाल है, खासकर तब से जब से लूट कम हो रखी है। खैर, इसके बाद भगाते हुए जाएंगे गाड़ी और इधर उधर भटक के बंदे पे लेंगे, लेकिन उससे पहले हम धड़ पर बात कर लेते हैं हमारे स्पॉन्सर की। तो यार, इस ऐप या फिर वेबसाइट का नाम है वनएक्स बैट, जिसके मदद से आप कई सारे गेम्स, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कद्दू बॉल और ई स्पोर्ट्स वगैरह पे बैट लगा सकते हो। साथ ही साथ इसमें आपको 7,000 रुपये तक का बोनस मिलेगा अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो, जो कि कमेंट सेक्शन में दिया गया होगा। और इसमें जीते हुए पैसे विड्रॉ करना बहुत आसान है, बिल्कुल हल्ले की तरह, क्योंकि इसमें पेटीएम, पेपाल, गूगल पे, कद्दू पे, न जाने क्या क्या है। और इसमें कई सारे मिनी गेम्स भी होते हैं, तो आप वो खेल के भी पैसे कमा सकते हो। तो हाँ यार, अगर आपको इस सब चीज़ का शौक है, आप इस ऐप को ट्राई कर सकते हो, इसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी, बिल्कुल तो में। अब आपने ये जरूर सुना होगा कि यार लानत बुरी बला है, लेकिन देखो बोर्ड पे अत्याचार करना ना उससे 14 गुना ज्यादा बुरा है। देखो आप सीन, अब देखो सामने वो एक बोर्ड भाग रहा था और उसे पेलने के लिए ये लोग ओपन में भागते हैं। आपने ये सुना होगा कि यार निहत्तों को नहीं पेलना चाहिए, निहत्तों को जाने दो, बकवास है सब कुछ, बकवास है। मैं सच्चाई बताता हूँ, बोटों पे अत्याचार मत करो, बोटों को जाने दो, नहीं तो यही सीन होगा यार।
ऐसे इन दो बंदों के साथ हुए। भगते हुए जा रहे थे बॉट बेचारे बॉट की बेटी बनाने, रास्ते में पकड़ लिया, अब इनकी बेटी बनेगी। यहाँ पे बस फर्क इतना होता है कि यार अत्याचार कोई और करता है बॉट पे और बेटी पूरे के पूरे टीम की बन जाती है। अब देखो सीन क्या था, बॉट घर पे नॉक हुआ था तो मैं सोच रहा था यार मेरे को दिख जाए तो मैं बेटी बना दूंगा ना, मतलब यार तड़पना तो बंद होगा। लालच ही नहीं यार, स्किल की लालच नहीं घर पे, मैं तो बना चाहता हूँ। देखो मैंने नहीं पहला बॉट को, ठीक है मैंने कोई अत्याचार नहीं किया, मैं तो बस बॉट को भगाना चाह रहा था कि भाई इधर मत आओ बॉट राजा, आप कहीं और चल दो। लेकिन हमारे भाई पीछे से बंदूक निकालते हैं और बेदबादब बॉट पे गोली चलाते हैं और यार एक ही गोली पे बॉट गिर जाता है। मैं तो बस भगाना चाह रहा था, मैं भला ही चाहता हूँ बॉटों का, खैर भला चाहूँ चाहे बुरा यार उसकी सजा मेरे को बराबर मिलने वाली है। हाँ यहीं पे मिलेगी बहुत जल्द, गलत सीन होने वाले हैं। और जरा इस सांप को देखो कहाँ लेटा पड़ा है बंदा। और सांप एक ऐसी प्रजाति है पबजी में जो हर जगह कहीं पे भी पाई जाएगी, चाहे पीली हो घास चाहे हरी हो। खैर जो भी सीरो इस सांप को मैं धड़ कर लूटता हूँ और सोचता हूँ ठीक है यार किल भी मिल गई गन भी मिल गई, निकलते यहाँ से, बस फिर ये होता है। अब देखो अगर आपको याद होगा तो यार बॉट की पेटी मैंने नहीं मेरे टीममेट ने बनाई थी। अब देखो मैं बराबर जिंदा था, ज्यादा चोट भी नहीं आई है, लेकिन हमारे भाई नॉक पड़े थे। पाप चल रहा है, बराबर पाप चल रहा है। हमारे बचने की उम्मीद बहुत ही कम होती है, बिल्कुल ना के बराबर। बंदों ने फ्लैंक मार दिए हैं, बिल्कुल ओपन में खड़ा हूं और हर भी लगती है मेरे को। एक तो मेरे नेट सस्ते हैं, उसके ऊपर से ये लोग मौका तक नहीं दे रहे देखने का। यार कम से कम फेंक के तो देखूं, क्या पता कुछ हो ही जाए। खैर मैं इधर उधर वहां से कट लेता हूँ क्योंकि देखो वहां पे नेट जोर से आएंगे, लेकिन तो वापिस यही आना पड़ता है दोबारा। और यहां पे हम लोग ऐसी जगह से बच गए जहां से यार बचने की उम्मीद लगभग जीरो पर हो गई थी। फ्लैंक देख रहे हो बंदों के, एक बंदा घर पर बैठा है, दो बंदे कार लेके आ रहे हैं, फिर उसके ऊपर से एक बंदा और कहीं फ्लैंक मार रहा है। यार इनका बोलियों का नहीं पता लेकिन फ्लैंक इन्होंने दबा के देना। यार जो भी सीन हो यहाँ पे मैं बैठ बैठ बताता हूँ और देख रहे हो मेरे टीममेट दो बार मार दिया और मैं घर पर बचा रहा यहाँ पे। सही है यार, अच्छा हुआ उस बॉट की मैंने पेटी बनाई, वैसे पेटी बना के तो जो भी सीन हो यहाँ से निकलते हैं क्योंकि आगे प्रेयर वगैरह चल रखी है और दोबारा से उस घर पे जा रहे हैं जहाँ तुम्हारा भाई डेढ़ आईक्यू गेम प्ले करता है। और यार इस बार भी वो डेढ़ आईक्यू गेम प्ले काम कर जाता है, पता नहीं क्यों। अब मेरा मन तो बहुत कर रहा था कि गाड़ी सीधा ठोक दूं लेकिन बेटी भी बनती फिर। और इधर आए हुए जीप से 10 सेकंड नहीं हुए हैं और गोला बारी चालू हो जाती है।
तो मैंने देखा यार मेरे पे भी एक जलती बोतल में आग पड़ी है, तो मैं सोचता हूँ देख के देखा जाए। और वो जलती बोतल इतने खतरनाक जगह पे जाती है कि आप क्या ही बताऊं, वो टीन का छज्जा पड़ा है वहां पे चल रही आग, अरे कद्दू कुछ नहीं उखड़ेगा वहां लगाने से। और इनके नेट देखो ये भी खतरनाक है भाई, इतना ज्यादा खूब करके देख रहे हैं कि आग हवा में चल जाए। और एक बार अच्छी कुछ लेना पड़ता है, तो मैं छत पे आ जाता हूँ और बस बंदे ढूंढ रहा हूँ।
और आखिरकार का देव एक बंदा दिखा देता है, पत्थर पे चुका है हमारे भाई। मेरे ख्याल से दो दो बंदे बैठे पड़े हैं, मैं गोलियां चला रहा हूँ पूरे ध्यान से। उतने में ही मैं पीरियड बोलता है, भाई मेरे को बंदा दिख गया, मेरी फट गया। मैंने बोला ये पेटी बनाएगा मेरी, बाद में पता चलता है कद्दू कुछ नहीं होता है। सही यार देखो मेरा, खैर जो भी सीनो, मेरे को लगता ऐसा है पहले कि उस पत्थर पे दो ही बंदे बैठे होंगे, लेकिन मैं गलत होता हूँ। असल में वहाँ पे तीन बंदे बैठे पड़े हैं, और यार जगह कम पड़ती है तो एक बंदा भगने लगता है। और इस टाइम पर जब ये बंदा भी मौत होता है ना, मैं समझ गया इन्होंने पूरा डेरा डाल रखा था इस पत्थर पे। मतलब इतना बड़ा भी नहीं है, तो ठीक ठाक पत्थर है, उस पर तीन बंदे बैठे पड़े थे। अब देखो एक तो दूर भग गया है, तो उसकी बेटी बनना तो लगभग तय हो चुका है, लेकिन बस ये दो बंदे होते हैं और उसके ऊपर से भाई लोग ने समोक भी बना दिया। अब ये लोग समोक करते हैं और मैं दबा दब तीन नहीं फेंकता हूँ। अब मैं लगभग तीन मिनट बर्बाद कर देता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं बहुत बड़ा बेचा रहा हूँ, तो अपने टीमेट को देखकर मुझे अगर आपने नेट दिखाना, इस बार पक्का पक्का छोड़ूंगा नेट से किसी को, तो चार मिनट और मिलने वाले हैं। बंदे की चौड़ बहुत अलग लेवल पे है भाई, बंदे पे हेलमेट तक नहीं है, बिल्कुल बुरा टोपा दिखाई दे रहा था। उसके बाद भी हमारे भाई पीक करे जा रहे हैं यार। देखो जोश हो तो इस लेवल का हो, नहीं तो यार आलसी पड़े रहो। खैर मेरे टीममेट को पता ही नहीं चल रहा होता कि यार छत पे कैसे चढ़ना है, और आखिरकार जाके भाई दूसरे दरवाजे से आते हैं। और वहां पे मेरे ख्याल से एक और ऐसा बंदा हो गया जिसके पास हेलमेट नहीं बचा होगा, मेरे ख्याल से उड़ जाना चाहिए। और यार मेरे को देखते ही देखते चार मिनट हो जाते हैं। और भी ऐसे गलत सीमा देखे और
यार जाते जाते एक एक्सपेक्ट चेकआउट करना मत भूलना, उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी। तो कल मिलते हैं यार।